दोस्तों आज हम हमारे पास एक गेमिंग लैपटॉप है, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से हम इसे इसमें हमने 32 GB रैम इंस्टॉल किया था और करीबन एक हार्ड ड्राइव इसमें हमने प्लग किया था एक्स्ट्रा। तो अभी कंपनी से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये लैपटॉप कंपनी में जाएगा और नया पीस हमें मिलेगा क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया था। तो अब हम इसके कंपनी द्वारा हमें बताया गया है कि इसकी आप जो रैम है जो आपने एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसमें प्लग किए हैं वो आप इसमें से निकाल लीजिए। तो हम गाइस इसमें से एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट हमने मार्केट से बाय करके इसमें डाले थे वो हम निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके जो स्क्रू है उनको रिमूव करेंगे गाइस। ये हमने फर्स्ट स्क्रू निकाल लिया इसका, ये हमने इसका सेकेंड स्क्रू, फ्लैश भी ऑन करेंगे। इसके सभी स्क्रू पहले डिसमेंटल कर लेंगे। ये एक गेमिंग लैपटॉप है गाइस, इसके सभी स्क्रू निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू लैपटॉप है ये और ये कंपनी में रिवर्स भेजना है इसलिए हम इसके डिसमेंटल कर रहे हैं। इसमें हमने SSD आई थी, SSD को हमने नहीं छेड़ा। इसमें हमने एक लगाई थी जी 1 TB की नॉर्मल हार्ड ड्राइव और एक हमने इसमें 32 GB रैम लगाई थी। इसमें प्री इंस्टॉल आई थी 4 GB की दो रैम यानी कि 8 GB रैम के साथ ये लैपटॉप हमें मिला था। तो इसके हमने सारे स्क्रू रिमूव कर लिए। अब हमें कुछ इस तरह के यूनिट चाहिए जी इसको डिसमेंटल करने के लिए, ठीक है जी। अब हमें इसे बड़े प्यार से इसकी ये जो इसका ये बेस है इसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ गाइस हल्के हल्के लॉक होते हैं तो बड़े प्यार से इसको डिसमेंटल करना पड़ता है। ये देखिए ये लॉक्स निकल रहे हैं, ऐसे बड़े प्यार से आप इसको रिमूव करते जाओ। जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे ये ओपन होता जाएगा। देखिए गाइस बड़े ही आराम से करना है ये काम। देखिए ये कुछ नॉर्मल चीज हमने लगाई है, देखिए यहां से स्टिक यूज कर सकते हो। ये देखिए गाइस ये रिमूव हो गया लैपटॉप। ये काम थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, हमें सभी रॉक्स को निकालना है। नट बहुत तेज, सॉरी गाइस यहाँ एक प्रॉब्लम रह गई, हम एक नट रिमूव करना रह गए थे जिसकी वजह से लॉक्स अनलॉक नहीं हो रहे थे। ये देखिए ऐसी गलती नहीं करनी गाइस, सभी नटों को ध्यान से देखिए, सभी नट रिमूव होने चाहिए तभी यहाँ पे स्टिक काम नहीं कर रही थी इसको ओपन करने में, क्योंकि एक स्क्रू इसमें लगा रह गया था गाइस हमसे। ये बड़े प्यार से अनप्लग हो जाएगा गाइस, कोई भी इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जोर जबरदस्ती जब ही करनी पड़ेगी जब कोई स्क्रू हम भूल जाएंगे गाइस। तो ये हमारा डिसमेंटल हो गया लैपटॉप। ये देखिए पूरा लैपटॉप डिसमेंटल कर दिया, लैपटॉप यहाँ से अनप्लग हो गया। तो हमें क्या करना गाइस, एक तो हमें ये हमारी हार्ड ड्राइव निकालनी है ये वाली, ठीक है जी। ये हमारी 1 TB की हार्ड ड्राइव मैनुअली हमने बाद में लगवाई थी। एक यहाँ पे हमारी 32 GB की रैम लगी हुई है गाइस, ये हम निकाल लेते हैं। ये रही गाइस हमारी पे डेटा की 32 GB की मैनुअली हमने निकाल ली। हमारे पास इसकी पुरानी जो हमने अपनी ए डेटा की पैकिंग में डाल दी थी ये हम
इसमें वापसी इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि कंपनी का जो प्रोडक्ट हमारे पास आया था, कंपनी ने हमें कहा है कि जो प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग में मिला है वही प्रोडक्ट आप इन हमारा वापसी लगा दीजिए। उससे पहले हम हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं गाइस। तो ये हार्ड ड्राइव का है, वन टेराबाइट की 1 TB की हार्ड ड्राइव हमने इसमें बाद में मैन्युअली इंस्टॉल करवाई थी गाइस। तो अब इसके 4 नट है, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट नट रिमूव किया मैंने, ये नट है गाइस हार्ड ड्राइव के लिए। पहले वाले नट थे पूरे केस को इसमें प्लग करने के लिए, अब ये 4 नट हम रिमूव कर रहे हैं हार्ड ड्राइव के लिए, जिससे हार्ड ड्राइव इस केस से बाहर आ जाएगी। ये हमारी हार्ड ड्राइव अलग हो गई गाइस इससे निकलने के लिए। इसको बड़े से निकाल देंगे, ये निकलेंगे गाइस। तो ये हमने इससे बाहर निकाल लिया गाइस, और ये जो बेल्ट है ये यहाँ चिपकी हुई है इसी के अंदर, इसको हम वापसी इसके अंदर चिपका देते हैं। ये कुछ इस तरह से चिपकी हुई अवेलेबल थी, इस केस को हम फिर इसमें इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, ये जो 4 नट आपने हार्ड ड्राइव के 4 नट रिमूव किए हैं यहाँ से, ये जो हार्ड ड्राइव के 4 नट है यहाँ टाइट हो जाएंगे। चार नट यहाँ लग जाएंगे, ये लगा दिए मैंने। गाइज ये केस हमने वापसी लगा दिया है, और यहाँ पे हम इसके जो 3 नट हमने बाद में खोले थे वो हम इसमें दोबारा इंसर्ट कर देंगे। नट नहीं होना चाहिए, नट हमसे गिरा है अभी।
गाइस यहाँ ध्यान रखिए, बारीक बारीक केबलिंग है, ये केबलिंग को कोई प्रेशर ना, एक ये वाली केबलिंग, इस पे कोई दबाव नहीं आना चाहिए गाइस, ये बड़ा ध्यान रखना है इन केबलों पे। ये हमारी डिस्प्ले की केबल है, इस पर किसी तरह का कोई प्रेशर ना आए, कोई भी केबल पे प्रेशर ना आए गाइस, ये ध्यान रखिएगा। इस पर ये हमारी रैम है, इसको खोलते हैं गाइस। गाइस हमारी जो बाय डिफॉल्ट रैम आई थी, ये दो रैम आई थी, 4 GB थी। ये 4 GB की दो रैम आई थी, इंस्टॉल करने जा रहे हैं। एक रैम उल्टी लगेगी और एक सिल्टी, एक सीधी लगाई है एक उल्टी लगाई है। तो रैम ये हमने हार्ड डिस्क निकाल ली गाइस, ये हमने हमारी 32 GB रैम निकाल ली गाइस, दोनों चीजें हमने यहाँ से रिमूव कर ली। ये रैम निकाल दी, 32 GB की रैम हमने निकाल ली जो हमने एक्स्ट्रा लगवाई थी इसमें, और ये हमारी 1 TB की नॉर्मल हार्ड ड्राइव, ये भी हमने इसे निकाल दिया। ठीक है जी, जैसे वो हमारा नया लैपटॉप आएगा तब हम उसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। अब हमारा लैपटॉप उस सेटिंग पे आ गया जिस सेटिंग पे कंपनी से आया था फ्लैश ऑन। इस केबल का बड़ा ही सीरियसली ध्यान रखना है, अब हम इसे पैक करने जा रहे हैं वापसी। तो फ्रंट से पहले पैक होगा गाइस, ऊपर टॉप से, ठीक है जी, पहले टॉप से पैक करना शुरू करेंगे। इस केबल का खास ध्यान रखना, ये केबल प्रेशर में नहीं आनी चाहिए। इंसर्ट कर दिया गाइस बड़े प्यार से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े आराम से सारे लोगों की जगह फिट हो जाएंगे। ये हमारा फ्रंट है, ये भी हमने लॉक कर दिया गाइस। इसके बाद ये जो वाले स्क्रू हैं इनको एक बार रिवर्स रिमूव करना ताकि वो अपनी सेटिंग में आ जाए, और फिर इनको टाइट कर देना। ये जो स्क्रू निकलते नहीं है इनको एक बार रिवर्स और फिर इनको इंसर्ट टाइट। इसी तरह से इसको एक बार रिवर्स और फिर इंसर्ट। ये
बता दें हमें ये लैपटॉप कंपनी को क्यों देना पड़ा। इस लैपटॉप में मैन्युफैक्चरली जो माइक है वो काम नहीं करता है और ना ही इसका कैमरा काम करता है। इस लैपटॉप में दो प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें ये लैपटॉप रिप्लेस करना पड़ा है। ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।